बहुत अच्छा लगा सितारा को लाइव आके देख के मैंने लाइव की थी मेरी लाइव में भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए सितारा ने और साजिद भाई ने उनका बहुत बहुत तारे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बेस बनाई हुई थी सितारा के जाने से पहले भी और बाद में भी ये मेरे साथ बेवफाई की यहाँ पे सितारा को नीचे लेके आना था और उसकी जगह खुद खड़े होना था हिस्ट्री फे पासपोर्ट वाला ड्रामा काफी खेला गया उससे भी पकड़े गए सारे फ्लॉप हो गए सबके व्यूज मर गए अब हम लोग जलील हो रहे हैं ये औरत झूठी थी इसके पास कोई सच्चाई नहीं है तो सब ने इनको छोड़ दिया एक एक करके फिर ऐसा ऐसा सितारा स्ट्रांग होती गई जनाब हम इनके जब ब्लॉग देखते रहे सितारा के झूठ हार गया और सच्चाई जीत गई कॉन्ग्रेचुलेशन वन मिलियन सितारा यासीन जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं सबको बहुत बहुत मुबारक आज थोड़ी सी जर्नी पे बात करेंगे कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ पे खत्म हुआ कौन से रिश्ते टूटे कौन से जुड़े तो जुड़े रहिए मेरे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक अवी देखे रह संगे मज़े में होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जानी जान की टोटीज छोटी छोटीज एंड पतली वटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे और फिटफाट होंगे अपने खर्चे पे आवाज़ होंगे और जी वीडियो शुरू करने से पहले लाइक तो बनता है तो जी जनाब कॉन्ग्रेजुलेशन बहुत बहुत सारा मुबारक और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सितारा यासीन को उनकी फैमिली को उनके बच्चों को माँ जी को साजिद भाई को और बाकी उनकी यूट्यूब फैमिली जो है जो हमें भी देखती है उनको भी बहुत 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 मुबारक हो बहुत सारे नाम जो जो कि हमारे दिमागों में आंखों के सामने जाने पहचाने से लगते हैं जब हम कमेंट पढ़ते हैं वो इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे इतना ज़्यादा लोग दुआएँ करते रहे हैं कि सितारा यासिन का वन मिलियन हो जाए क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं सितारा यासिन के फीलिंग के साथ दिल के साथ अटैच हैं उनकी फीलिंग अपनी फीलिंग समझ के चलते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो जी सितारा यासीन लाइव आई थी और उन्होंने कहा कि शायद थोड़ी देर तक हो जाएंगे या कुछ घंटे बाद हो जाएंगे सब्सक्राइबर लेकिन लकी लकी अगर आ, जो है मेरी लाइव में आ, कमेंट आ रहा था कि 14 अगस्त उनके लिए जो है बड़ा बैड फील हुआ था उनकी बहन उनके लिए जो है ये इस तरह का चौदह अगस्त को मुद्दा लाई थी लेकिन वहीं पे चौदह अगस्त इनके लिए लकी चौदह जनवरी जो है इनके लिए लकी भी साबित हुआ क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर मैं यूट्यूब पर हूं तो मैं वन मिलियन पता नहीं कभी देखूंगी नहीं देखूंगी लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी और वाकई ही हिम्मत नहीं हारी सितारा यासिन ने उनके साथ बहुत ज्यादा वाकयात हुए उनके साथ बहुत ज्यादा उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की गई उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली जरा मेकअप आर्टिस्ट से जाहिर सी बात है एक मेकअप ब्लॉगर थी मेकअप आर्टिस्ट थी उसके बाद हस्बैंड की जब शादी हुई उन्होंने जॉब भी छोड़ी बेटी उनकी थी छोटी तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी तो फिर वो ब्लॉग की तरफ भी आ गई कि मैं चलो डेली व्लॉग बना लेती हूँ आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग का पाकिस्तान में बहुत लेट आया ये डेली व्लॉगिंग वाला जो है बड़ा न्यू न्यू लगता था अच्छा ये घर घर दिखा रहे हैं अच्छा ये घर की व्लॉगिंग दिखा रहे हैं वो अच्छा लोग एक्साइटेड होते थे और देखते थे मैं खुद बहुत ज़्यादा इस तरह के काफ़ी व्लॉग देखा करती थी अच्छा ये घर घर का माहौल दिखाते होते हैं अच्छा इनके घर का माहौल कैसा है अच्छा ये कैसे रहते हैं इस तरह से हम लोग देखा करते थे तो खैर इनके हस्बैंड की शादी होती है इनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इनके इनकी अपनी जाति वजह से जिसको कुछ हेटर भी बने और उन्होंने ट्रोल किया कि ये क्या बात हुई है तो फेम मिल गया इसको इसके हस्बैंड ने शादी किया ये तो झूठी शादी है ये तो पैसे दे के इन्होंने भाई वो ये शादी करवाई है रेंट की बीवी है फला है ये कंटेंट है और कुछ भी नहीं है बहुत बातें सुनी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया सितारा यासीन को और उसके बाद जनाब एक एक करके जो है रिश्तेदारों में से भी सितारा ने सबको व्लॉग चैनल जो है वो बना के दिया और व्लॉग वगैरह उनको बताया कि आप लोग भी कर सकते हैं अच्छी नीयत थी इसलिए उन्होंने कहा गुर्बत से निकलेंगे लोग भी मेरे साथ आगे आगे बढ़ें लेकिन वहीं पर जनाब लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये पब्लिक तो हमारी है यह तो हम खुद फेम हासिल हम लोगों ने किया अपने दम पे किया हम खुद स्टार हैं तो ये जो है इनको बैक करना शुरू कर दिया सितारा यासीन को उसी दौरान जनाब शादी भी उनके हस्बैंड की हुई हुई थी हस्बैंड इग्नोर करना शुरू हो गए नई शादी थी जना मुनिया टाइप बना रहे थे और बच्चे वहां पे इग्नोर हो रहे थे और ये अपनी डेली रूटीन दिखा रही थी और खड़ी थी चटान की तरह हाँ रोई हुई नजर आती थी शुरू से जब उनके हस्बैंड की शादी हुई उनकी आंखें रोई हुई होती थी हमेशा दुखी नजर आती थी लेकिन खड़ी थी कि अच्छा यार सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं अपने ब्लॉग से जो है वो आगे बढ़ती रही और खुश भी थी कही न कहीं ना कहीं कि यार मैं कहाँ पे एक जॉब करती थी कहाँ पे एक बहुत मतलब घुटन वाली थोड़ी सी लाइफ थी हाँ खुशियाँ थी उसमें सुकून भी बहुत ज़्यादा था लेकिन Uh, बच्चों की ख्वाहिशें बच्चों का मुस्तबिल उसको सोच के भी वो चल रही थी चीज़ें इधर से हेटर सपोर्टर भी बन गए एक दूसरे को जवाब दे रहे और हेटर पूछते थे सवाल सितारा से जवाब देते थे सपोर्टर सपोर्टर जवाब देते थे और उन लोगों को लाजवाब करते थे इस तरह से डिबेट ये भी चलती रहती थी खैर उसी दौरान इनकी तैयारी बनती है बहन की तरफ और बहन के घर जब ये जाती हैं बहन का असल भी चैनल हो गया था खराब ठीक है जी बहन का चैनल खराब हो गया था उसका कोई प्रॉब्लम आ गया था तो उसने बहन को बुला लिया छोटी को कि तुम मेरे पास आ जाओ मेरी जान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब तुम आ जाओ अम्मी बड़ी उदास हैं तुम भी बड़ी उदास हो मैं भी बड़ी उदास हूँ हम मिल लेते हैं उसी दौरान जनाब वो उनको देखती हैं उनकी सैलरी देखती हैं दो महीने की और उसके बाद जो है एक एक महीने की कम अज़ कम पाकिस्तानी बहुत हैंडसम अमाउंट तकरीबन जो है वो सितारा को मिल रही थी क्योंकि एक दफ़ा उनकी सैलरी लेट हुई थी तो उन्होंने काफ़ी परेशानी का इजहार किया ब्लॉग बनाए थे सितारा ने कि मेरी मेल नहीं आ रही मुझे टेंशन हो रही है मेरी सैलरी नहीं आ रही अभी अभी मेरा चैनल ग्रो किया है मैं अब बहुत परेशान हो रही हूं सब दुआ करें मेरे लिए खैर जब उनकी सैलरी आई होगी तो पूछा होगा उन्होंने कभी कितनी आई है इन्होंने बताया हो बताया होगा जब तो फिर उनकी आंखें खुल गई और जब आंखें खुली तो फिर पूछना शुरू हो गए कि भाई कंट्रोवर्सी करें क्या करें किस तरह आगे बढ़े तुम तो आगे बढ़ गई हम उतना नहीं आगे बढ़ पा रहे तो जनाब फिजा होने लगे दोनों हस्बैंड वाइफ सितारा पे दोनों हस्बैंड वाइफ फिदा होने लगे उससे पहले सलमा ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि मेरे हसबैंड मेरी बहन को अच्छा नहीं समझते हम लोग हमें नहीं था पता कि उनके सुतेले भी हैं ये बहन भाई मतलब उनकी अम्मी का जो है शादी उनके सुसर के साथ हुई हुई है सलमा के तो ये बहन भाई भी लगते हैं वैसे चचजाजा है खैर उसी दौरान जो है आ, उनके दिल में लालच आई जो भी आया बड़ा इसको मक्खन लगाना शुरू हो गया प्रोटोकॉल देना शुरू हो गया कहाँ वो देखना ही पसंद नहीं करते थे कहाँ पे वो उनको प्रोटोकॉल देना शुरू हो गए सितारा ने उनकी एक बेटी भी पाली थी जो कि सात आठ साल की तकरीबन थी वो सितारा को दी गई थी जब वो सोलह सत्रह साल की अठारह साल की हुई तो सितारा ने वो पाल के अपनी बहन को दी पढ़ा लिखा के सुलझाओ घर का काम बताना सारा कुछ इस तरह से करना बहुत सारी बातें इनके शफात हुए ऐसे इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे वहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेशन भी की थी आई थिंक सात लाख की या छः लाख की जो है सेलिब्रेशन की थी केक एक शेक काटे थे उसी दौरान जनाब क्या होता है इनके एक और भाई वहाँ पे रह रहे होते हैं तो फिर उन्होंने सुना कि बड़ी जो है छोटी से पूछ रही थी कैसे थमने लगाऊँ क्या करूँ जिससे मैं भी वायरल हो जाऊँ और मैं जॉब शॉब छोड़ दूँ तो फिर सितारा ने बताया थोड़ा सा कंट्रोवर्शल करके लगा दो तो कोई बात नहीं आप आगे हो जाओगी बढ़ोगी आ, बाकी कम्युनिटी वगैरह की भी बड़ी रोले मसले चल रहे थे फिर पता चला पैसे शैसे मांगे गए सितारा से कोई एक करोड़ के ऊपर ऊपर मांगे गए उसके बाद जो है शॉपिंग जो करती थी इन्होंने कोई सोना वगैरह खरीदा उन्होंने रसीद के बग़ैर सोना खरीद के दिया उसमें भी झोल था तीन चार तोले का पांच तोले का झोल निकला उसके बाद जनाब ये वहाँ से हंसी खुशी वापस जब आते हैं तो जनाब कुछ ही दिन बाद कम अज़ कम पच्चीस बीस दिन के बाद मेरे ख़्याल से आई थिंक ये कार्रवाई होना शुरू हो गई और बातें के जो है खैर सितारा जब वापस आ जाती है ना बड़ी जो है वो ड्राइविंग सीख रही हैं वो खा रही हैं पी रही हैं गप्पे लड़ा रही हैं अपनी फैमिली के साथ जो है घूम भी कर रही हैं और सारा कुछ ये भी यहाँ पे आके अपनी गाड़ी लेती हैं और गाँव कश्मीर जाती हैं फिर गांव जाती हैं फिर वहां पर सौतन वाली लड़ाइयाँ झगड़ा पहली दफ़ा जो है साजिद साहब सितारा के साथ घूमने के लिए गए जो कि बहुत ज्यादा फसाद बर्पा हो गया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि ये वहां पे क्यों गया था बीवी अपनी के साथ तो काफ़ी मसले मसाइल बने कोई चोरी चोरी की भी बात चली कि भाई वहाँ पर सितारा का कोई सोना भी चोरा, चोरी हो गया फिर बाद में पता चला कि कौसर के, के अब्बा कहते हैं कौशर के नाम घर लगवाएं जो बावलपुर सितारा ने लिया था वो भी रोले मसले पता चले थे कि हो रहे हैं बहुत ज्यादा टेंशन है सितारा ने देखी उसी दौरान जनाब उसके बाद जनाब बहन ने भी एक बहुत ही अजीब गरीब से पहले तो थमनिल लगाती रही कि मेरे हस्बैंड की शादी होने वाली है मैं शादी हम हम तो दोनों का निकाह दोबारा होगा कभी कहती थी वो अठारह अठारह दिन घर वापस नहीं आते ये उन्होंने बेस बनाई हुई थी सितारा के जाने से पहले भी और बाद में भी ये चीज़ें उसकी चल रही थी कंट्रोवर्शल चल रही थी खामोशी के साथ चल रही थी फिर वो कहती थी मैं फेस रिवील कब करूँगी फिर वो अजीब गरीब उनकी चीज़ें चल रही थी थमनिल के ज़रिए लेकिन वो मखोटा उड़ा हुआ था उन्होंने इस तरह का कि शराफत वाला के लोग कोई शक ना कर सके ये अंदर से चला को मासी खैर उसी दौरान जनाब मासी जो है एक दिन पहले ड्राइव ड्राइविंग सीख रही है पार्टी के लिए पिज़्ज़ा पिजाशा खाने गए हैं हैं उसके बाद आ जाती पिंक सोफा पे बैठ के पर्पल -पर कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग पिंक कहते हैं मैं मैं तो पिंक ही कहती हूं भी थमले लगाया हुआ था मेरा पिंक सोफा ठीक है जी तो उन्हें पता है ना उनका सोफा वो बड़ा मशहूर है उससे मिलियन मिलियन व्यूज आए थे बहन के ऊपर इल्जाम लगा के तो खैर वो पिंक सोफे पे बैठती हैं और जनाब फेस रवील करती हैं साँज आई नहीं आई अड़िए नहीं है आता है रिवील है। 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 करती हैं और चला उसके बाद वो बैठ जाती हैं अल्लाह वक़्त बरस वक अपने हस्बैंड और बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने एक दिन पहले ये चल रहा है दूसरे दिन इन्होंने ये काम किया और अपना मखोटा उतार दिया और कहा कि मेरी बहन ने जो है मेरा घर बर्बाद किया मेरे सज्जे और खब्बे बाजू ने मेरे साथ बेवफाई की यहाँ पे सितारा को नीचे लेके आना था इधर से सितारा को नीचे लेके आना था और उसकी जगह खुद खड़े होना था क्योंकि इनकी आपस की कुछ लड़ाइयां तो चल रही थी लेन देन बहुत कुछ चीजें थी उसको जनाब इन्होंने इधर कन्वर्ट किया पहले हसबैंड की शादी की बातें फेस रवील की बातें उसके बाद जो है बॉर्डर क्रॉस करने की बातें और उसके बाद हसबैंड को पाकिस्तान भेजूंगी वाली बातें बहुत सारे इसने पहले भी थमने लगाए थे और व्यूज़ कमाए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से ये हरकत की कि मेरे साथ तो बेवफाई हुई है मुझे इतने टाइम पहले पता था इतना टाइम जिसको पहले पता होता है वो हस्बैंड के साथ खुश गपियाँ नहीं लड़ा रहा होता है ना मस्तियाँ कर रहा होता है कि मैंने ड्राइव आपसे सीखनी है क्योंकि मैं आपके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ ड्राइविंग आपसे सीखना चाहती हूँ ठीक है जी थी, ये बातें भी वो करती होती थी अपने ब्लॉग में फिर वही सितारा को के लिए बहुत ज़्यादा जनाब इन्होंने एक सितारा के खिलाफ टीम बनाई चक्कर क्या था इसका चैनल ख़त्म करें इसकी जो इसको मोहब्बत करने वाले हैं ना उनके सामने इसको जलील करना है उसके सामने उनको जलील करना है जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं थोड़ी सी वो कामयाब भी हुई थी कुछ हज़ार सब्सक्राइबर टूटे भी थे सितारा के लेकिन जवाबी कार्रवाई में सितारा ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी वो खामोश रही और रो धो के साइड पे हो गई एक दो दफ़ा उसने वीडियो ज़रूर बनाई थी नॉर्मल तरीके से एक शूर वाले तरीके से उसने उस तरीके से इल्ज़ाम ना लगाए उस पर लेकिन ये ज़रूर कहा कि मुझे सब के चट्टों पट्टों का पता है लेकिन यहाँ पे मैं तमाशा नहीं किसी का बनाऊँगी जबान अपनी बंद करें आप लोगों ने जो मेरे पे घटिया इल्ज़ाम लगाया है मुझे आप लोगों ने दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया और सितारा के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक महाज तैयार किया गया कि इसके चैनल को ख़राब किया जाए इसकी वॉचिंग तोड़ी जाए इसकी पब्लिक ख़राब की जाए उसके कुछ सपोर्टर थे तो जो कि एक बड़ी उसमें थे स्ट्रांग वाले सपोर्टर थे उनको तोड़ा गया उनके साथ रब्ता किया गया उनको बहकाया गया उनका ब्रेन वाश किया गया और अपनी तरफ ले जाया गया वो भी सितारा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हेटर तो ऑलरेडी सितारा के थे उनको पता था कि ये ये हेटर हैं उनके साथ भी सितारा की एक्स बड़ी जो बहन थी उसने उन लोगों से भी रबते किए और एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के धावा बोल दिया सपोर्टर वाली साइड पे जाहिर सी बातें सपोर्टर तो थे लेकिन छोटी तादाद मतलब छोटे चैनल थे लेकिन आवाज बुलंद रखी इन्होंने और उसके बाद जनाब उन्होंने वापसी जवाबन कार्रवाई करते रहे लेकिन वो अंदर से कार्रवाई करते थे अंदर से ख़राबी पैदा करने के लिए बहुत बड़े महाज खोले गए आ, केसेस करेंगे अभी ये कर देंगे अभी वो कर देंगे बहाने बनाते थे प्रूफ बनाने की कोशिश करते थे हालांकि इस बंदी ने कहा हुआ था सितारा की बड़ी एक्स बहन जो थी उसने काफ़ी अपने सपोर्टर्स जो बना लिए थे उनको कहा कि मेरे पास प्रूफ है और मैं टूट गई मैं लुट गई मैं बर्बाद हो गई हस्बैंड उनका उनके साथ ही रहता था लेकिन लोगों को बताया कि ये जो है नहीं रहता मेरे साथ मेरे साथ बेवफा है और कुछ औरतें इमोशनल हो गई उसके हाथों और उन्होंने कहा यार बेचारी के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है लेकिन इन्होंने बेवकूफ़ बनाया प्रॉपर जो लोग भारी बनी बीनी से देख रहे थे उन्हें तो पता चल रहा था इनकी गलतियां पकड़ते थे कुछ लोग और कुछ लोगों को सरसरी जो देख रहे थे उन्हें नहीं था पता वो कहते थे हाय ये तो है ही शरीफ बेचारी ने हस्बैंड के लिए पर्दा किया था वो भी उतार दिया बहुत ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं उन्होंने भी चैनल बना लिए थे मुख्तिक तरीके से मैं बता रही हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है इस स्टोरी का प्रॉपर पता नहीं है तो उन लोगों के लिए भी बताना पड़ता है अक्सर कभी कभार आ, कुछ रह जाती हैं बातें कुछ कर जाते हैं तो इसमें जनाब कुछ रिश्तेदार भी इनके खिलाफ खड़े हो गए इनकी वालदा ने एक वीडियो बनाई थी और भेजी थी कि मेरी बेटी बेकसूर है मेरी जो नवासी है उन्होंने उकसाया है मेरी बड़ी बेटी को और इन दो बहनों को लड़वा दिया है मेरी मेरी बड़ी बेटी को जैसे जैसे भड़काया गया वो वही वही बात पे यकीन कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है ये जस्ट मेरी छोटी बेटी पे इल्ज़ाम है तोहमत है जिसकी बुनियाद पे इस, इस बयान देने के बाद माँ जी के ऊपर सुनने में आया बहुत ज्यादा जो है तशद किए गए बहुत ज्यादा उनको टेंशन दी गई वो रोज़े रखती थी वो खाली पेट मतलब रहती थी निहार मुँह ऐसे ही उन्होंने रोज़ा रख लेना पानी के साथ और फिर सारा दिन रोजे में रहना और नमाजें पढ़ना और रोना अपनी बेटी के लिए कि ये क्या हो गया इस फितना ने हमारे घर बर्बाद कर दिए वो है मेरी नवासी ठीक है जी बहुत सारी बातें इस तरह से निकली लेकिन कुछ रिश्तेदार जनाब उन्होंने भी अपने खूब चैनल चमकाए और खूब जो है एक एक दिन अगर सितारा के खिलाफ वीडियो बनाते थे लोग उन्हें जो है तंग करते थे तो दूसरे दिन जो है वो फिर सितारा की सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू हो जाते उनको समझ आ गई कि भाई यहाँ पे हमें गालियाँ पड़ रही हैं जिससे बेहतर सपोर्ट ही करते हैं दोगला पॉलिसी बहुत ज्यादा खेली गई यहाँ पे ए, दो करेक्टर जो हैं वो उभर के खुल के सामने आए मामा भांजी चूँकि मामा भांजी की जोड़ी जो है वो आ, ऐसी रही कि वो भी सितारा के फुल खिलाफ हो गया और बहुत बुरा भला बोला गया जो उनकी भांजी है सितारा की वो खुल के तो सामने नहीं आती थी लेकिन हाँ बिहाइंड द कैमरा और कभी कभी खुल के भी सामने आई मतलब वो डुबकी लगाती थी डुबकी डुबकी लगाती रहती थी एडरों के पैनल पर जाना जहाँ सितारा को गालियाँ दी जाती थी वो वहाँ बैठी रहती थी वहाँ जाती थी उनको अप्रिशिएट करती थी क्योंकि सितारा के सपोर्टर जो हैं उनको तनकीद करते थे कि तुम असल वजह हो इस चीज़ों की जनाब झूठी गवाहियाँ बनाई गई झूठे इल्ज़ाम लगाए गए सितारा जब ब्लॉग बनाती थी उनके चैनल उड़ाए गए उनके चैनल को उड़ाया गया जब चैनल को उड़ाया गया तो फिर उन्होंने अपने साथ क्या किया अपने आप को तकलीफ दी अपनी जान को तकलीफ दी और उन्होंने एब्रोज और बाल काट दिए उन्होंने कहा ये लो मेरा चैनल भी गया मेरी इज्जत भी गई लोग मुझे संसार करने की बातें कर रहे हैं कि ये बाहर निकलेगी थप्पड़ मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे पत्थर मारेंगे पता नहीं क्या कुछ करेंगे वाली धमकियां लोग देते थे उसके बाद सितारा ने जो है जब ये अपने साथ किया और कहा अब मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पास नहीं रहा ना मेरे हस्बैंड का रहा है मैं खाली हाथ हूँ मैं ही बच्ची हूं मैंने अपना भी सत्या कर दिया और मेरे पास मेरी खूबसूरती अब नहीं रही मुझे यहाँ तक लगा कि इनको कोई थोड़ा सा क्या कहते हैं फोबिया बड़ी को यह भी था कि यार ये जो है ज्यादा हैंडसम है ज्यादा प्यारी है खूबसूरत है ब्यूटीफुल है हैंडसम तो लड़के होते हैं ब्यूटीफुल है और ये ज्यादा प्यारी भी है और आगे भी बढ़ गई है पहले यह होता था कि हमसे मांग मूंग लेते थे हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार हमारे नीचे लगे हुए थे अब जो है ये तो बहुत आगे निकल गई और हमें हमारे हाथ भी नहीं लग रही हमें डेली जो है कम्युनिटी नहीं लगा रही लेकिन सितारा अपनी जॉब को जॉब के हिसाब से ले के चल रही थी और बड़े अच्छे अंदाज़ से ले कर चल रही थी अपने ब्लॉग को कि यार किसी पंगे में नहीं पड़ना चुपचाप अपने काम से कम काम रखना है कम्युनिटियों लगाई एक दो दफ़ा लगाई तीन दफ़ा लगाई और वहाँ रह के जो शाउट आउट दिए वो बहुत ज़्यादा शाउट आउट दिए थे सितारा ने अपनी बहन को यहाँ पे कचरा फैल गया जनाब उसके बाद सारे नंगे पुंगे हुए सब 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 के राज बाहर आए जो इल्ज़ाम सितारा पे लगाया गया उससे बढ़ के कई गुना उनकी भांजी के ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने खुद अपने आके बताए कि मैं मैंने ये किया वो किया मामे के खुल के आए चाचे के खुल के आए उस बड़ी के खुल के आए एक्स बहन जो है फिर उनके हस्बैंड के खुल के आए कि भाई ये तो चोर हैं चोरियां करते हैं लोगों की ज़मीनें खाते हैं पैसा खाया हुआ है भागे हुए हैं ये इस तरह के लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है मैस फैलाया गया यहाँ पे ख़ानदान ने कुछ व्यूज़ के लिए एक दूसरे को बहुत टारगेट किया तो जी जना बाकी रही उनकी टीम टीम उनकी भी सारी टूट गई और उन्होंने आहिस्ता आहिस् अलविदा कहना शुरू कर दिया कि ये फ्लॉप आंटी को छोड़ो क्योंकि ये ड्रामेबाज है इसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है हमें मिर्च मिसा नहीं देती मिर्च मिसाला दो बहुत कोशिश की मिर्च मिसाले बनाती थी कभी फेक पिक्चरें ले आना कभी फेक चैट ले आना कभी फेक क्या कभी क्या हिस्ट्री फेक पासपोर्ट वाला ड्रामा काफ़ी खेला गया उससे भी पकड़े गए सारे फ्लॉप हो गए सबके व्यूज मर गए जब देखा उन्होंने कहा यार अब हम लोग जलील हो रहे हैं ये औरत झूठी थी इसके पास कोई सच्चाई नहीं है तो सब ने इनको छोड़ दिया एक एक करके और फिर ऐसा ऐसा सितारा स्ट्रांग होती गई जनाब हम इनके जब ब्लॉग देखते रहे हैं सितारा के तो सितारा अंदर से टूटी हुई होती थी अक्सर बोलना चाहती थी बोल नहीं पाती थी लेकिन अपनी मतलब कहते ना अपने इस चैनल को लेके डीठ नहीं बंदा जैसे हो जाता कि यार अच्छा जो करना है कर लो मैंने रोटी रोजी का मानी है मैंने पीछे अब नहीं हटना मेरे मेरी की हुई मेहनत को तुम बर्बाद कर रहे हो अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से मैं तो अपना काम करूंगी और लगी रहूंगी और वो लगी रही उसने अपने चैनल पैसे दे के वापस लिए उनसे पैसे लिए गए बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन सितारा ना टूटी सितारा स्ट्रांग रही सितारा रोती उसकी रोती हुई आंखें मैं देखती थी रोना आता था उसके साथ साथ हम लोग बहुत तकलीफ में आते थे उसकी उसकी हालत देख के रात उन्होंने लाइव की है माँ जी और वो जब खुशी के आंसू उनके निकले मेरी मेरे भी आंसू निकल गए हैं उनके साथ कई और जो बहुत सारे नीचे कमेंट करने वाले व्यूअर्स थे उनके वो भी रो रहे थे और माँ जी जब रोई है ना जब सितारा ने कहा मेरी माँ जब आई है ना तो फिर मुझे हौसला मिला है अब मैं मजबूत हूँ पहले मैं बिल्कुल अकेली थी जाहिर सी बात है साजिद उधर भी जाता था इधर भी आता था। तो एक बट जाता है ना इंसान लेकिन साजिद का किरदार बहुत अच्छा रहा सितारा को बहुत साथ दिया साजिद ने साजिद ने फिर जब उसके सितारा जब सितारा की हालत जब नासाज़ थी ना कि अपने आप को कुछ वो कर लेती साजिद की आंखें खुल गई पहले वो टाइम नहीं दे रहे थे ना ज़्यादा फिर साजिद ने बहुत साथ दिया साजिद ने अपने बच्चों को और बीवी को बहुत साथ दिया मान जी तो सऊदीया में थी ना कुछ अरसे बाद वो दुबई गए उसके बाद फिर कुछ से बाद वो दुबई गए घूमे फिरे थोड़ा माइंड रिलैक्स किया लोग बड़े प्यार करने वाले सितारा को मशवरे देते आज आप घूमने जाएं आज आउटिंग पे जाएं अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें ताकि आप आगे से आगे बढ़ें आगे से आगे बढ़ें और फिर जब उनकी वालदा आती हैं तो फिर वो मज़ीद रिलैक्स हो जाती हैं घर संभालने के लिए भी आ गई माँ और उसके बाद जो है बड़ा हाथ बढ़ जाता है सितारा व्लागिंग करने में उसे आसानी हो जाती थी और दिल दिल की बात ना हर किसी से नहीं की जाती कुछ ख़ास होते हैं जिनसे बात की जाती है दिल की तो सितारा दिल की बात अपनी वालदा से करती थी और वालदा उसे हिम्मत भी देती थी कि व्लाग बनाओ आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ उस सितारा ने चैलेंज किए सितारा ने अच्छे बुरे टाइम को नहीं भूला वो भी याद रखा वो भी आके बताती रही उनके झुंड बन के सितारा के पीछे पड़े उनके ससुराल वाले भी उनके मैके वाले भी दोनों साइड से झुंड बन के सितारा को टारगेट किया गया बार बार उन पर गंदे इल्ज़ाम लगाए गए लेकिन ये मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ जो हैं अपने काम से काम रखा इन्होंने और आगे बढ़ते रहे आगे खामोशी से बढ़ते रहे और आज इनके रिस्पेक्ट और आज इनके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है कि यार कितने सेंसिबल लोग हैं बग़ैर बदतमीजी बग़ैरज़ाम लगाए आगे बढ़ते गए बहुत सारे राज आए बहुत सारी बातें निकली लेकिन बहुत बाद में निकली हालांकि देखा जाए तो उस टाइम वो ये सब कुछ कर सकते थे बता सकते थे उनको भी नंगा कर सकते थे लेकिन ना किया खैर आज सितारा का वन मिलियन हो गया है इतने उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ बहुत की चढ़ फेंका गया डिफेम करने की बहुत कोशिश की गई बहुत ज्यादा इंतहा कर दी एक औरत के पीछे हाथ धो के सब पीछे पड़ गए बहुत डिफेम करने की कोशिश की गई लेकिन हिम्मत है इन लोगों की दाद देने पड़ेगी आज ये वन मिलियन तक पहुंच गए जो लोग इनके चैनल को बर्बाद करना चाहते थे इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे आज वो नज़र ही नहीं आ रहे आज उनका तस्करा ही नहीं है वो गायब हैं महार्ज खोला गया था बहुत बड़ा कि सितारा यूट्यूब से हट जाए उसको ना यहाँ पे दिखाया जाए वो नज़र ही ना आए वो ख़त्म हो जाए बहुत बुरे तरीके से गंद बोला गया था बिहाइंड द कैमरा कैमरा के सामने लेकिन सितारा खड़ी रही डटी रही हाँ रोती आंखें नजर आती थी टूटा हुआ दिल नजर आता था लेकिन हिम्मत नहीं आ रही उसने कहा नहीं मैंने आगे बढ़ना है मैंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है मैंने खुद भी जो है इस दलदल से निकलना है झूठे रिश्तेदारों से निकलना है झूठे लोगों से साइड पे होना है और वो आगे से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते वन मिलियन क्रॉस कर लिया है रात माँ बेटी गले लग के रोई हैं साजिद साहब भी रो रहे थे और इन सारी फैमिली यूट्यूब फैमिली वो भी रो रही थी बहुत खुशी का माहौल था खुशी के आंसू थे कि हम जीत गए हम जीत गए और हम जीत गए हाँ। बिल्कुल सब्र वालों के साथ अल्लाह होता है और सितारा के साथ मुखलिस लोग हैं उससे प्यार करने वाले पॉजिटिव लोग हैं उसको बहुत प्यार करते हैं हाँ इमोशनल हो के थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा मशवरे दे जाते हैं लेकिन हाँ उससे जुड़े हुए ज़रूर हैं उससे मोहब्बत जरूर करते हैं नफ़रत नहीं मोहब्बत मोहब्बत में थोड़ा आगे थोड़ी सी सीधा ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत है उन्हें उन्हें भी मोहब्बत है उन्हें वो अच्छी लगती है क्योंकि सितारा से हम औरतों ने भी बहुत कुछ सीखा है कि दुनिया में आपके सामने बहुत सारे मोड़ ऐसे आएंगे दोस्ती की सूरत में रिश्तेदारी की सूरत में आम आवाम की सूरत में आपने कैसे हैंडल करना है कैसे चलना है कैसे सब्र करना है फ़ौरन नहीं टूट पड़ते होते बहुत कुछ सीखा है जी सितारा से और उनकी लाइव में जो है वो उन्होंने की और उन्होंने उस औरत को भी जवाब दिया जो उसे डीफेम करने के लिए पहले उसके घर आई और कैमरे खोल खोल के वीडियो बनाती रही सितारा के अपने रिश्तेदारों को अलाउ नहीं है कैमरा लेकिन वो औरत जो है वीडियो बना बना के डालती रही और उल्टा डिफेम भी करने की कोशिश की सितारा ने वार्निंग दी और कहा मैं एक्शन ले रही हूँ बहुत हो गया पहले कई बार मैं आके कह चुकी हूँ यूट्यूब पर मेरे घर बगैर इजाजत कोई ना आए क्या मैं हर साल घर तब्दील करती फिर मेरी प्राइवेसी खराब करते हो अब मैं एक्शन लूंगी क्योंकि मेरी प्राइवेसी आएगी मेरे घर आके आपने जो है वीडियो बनाई है बगैर परमिशन के कैमरा खोला है तो खैर अब वो वीडियो भी प्राइवेट हो चुकी है उस औरत की और इंशाल्लाह आगे वो दोबारा ये हरकत ना ही करें तो अच्छा है पढ़े लिखे शहरी होने का जो है सबूत दें अच्छे शहरी होने का सबूत दें ऐसी हरकत प्लीज खुदारा मत कीजिए पहले ही वो बहुत मुश्किल हा, सूरत हाल से सितारा गुजरी है तो बहुत अच्छा लगा सितारा को लाइव आके देख के मैंने लाइव की थी मेरी लाइव में भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए सितारा ने और साजिद भाई ने उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वहाँ पर इंट्री लगाई और थैंक्स किया कि हमारी पब्लिक जो है हमें अप्रिशिएट कर रही है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग वहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई हुई मेरी क्या पब्लिक बड़ी खुश हो गई थी मैं भी खुश हो गई हम बहुत रोए इमोशनल हो गए खुशी से तो जीती रहो मेरी बहन छोटी बहन हो मेरी आप जीती रहें खुश रहें आबाद रहें बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ वालदा के साथ हमारी दुआएं आपके साथ हैं आज आप कामयाब हैं और ऐसे ही जो है कामयाबी आपके कदम चुमें और कुछ ही महीने बाद इन शाह इनशाला टू मिलियन की भी सेलिब्रेशन करेंगे हमारी जर्नी बहुत पहले की है बहुत पुरानी है और हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं सितारा के साथ और दिली मोहब्बत है यकीन माने अगर कोई नहीं मानता तो उनकी मर्जी है उनसे दिली मोहब्बत है और उनसे कुछ सीखा है बहुत कुछ सीखा है तो थैंक यू सो मच यार और आप सबका भी शुक्रिया जो मुझे प्यार करते हैं मुझे प्यार देते हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कमेंट करते हैं सितारा के लिए लड़ते हैं अच्छे मशवरे भी देते हैं पैनल पे भी आते हैं कमेंट में भी आते हैं दुआएं भी देते हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया खुश रहें आबाद रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़